हाउस अरेस्ट इज माई फर्स्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रियली एक्साइटेड अबाउट इट अली एंड आई आर going टू बी सीन together वंस अगेन आफ्टर मिर्जापुर इन अ completely डिफरेंट अवतार of course. अरेस्ट um, इज uh, is about this boy Karan who just refuses to get out of his house and it's been a few months. And मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है और वो बहुत bahut होती है जब उसे पता चलता है hai and she's a journalist और वो बहुत क्यूरियस होती है टू नो कि लाइक like, वो कर क्या रहा है यू नो वट इज द डील हिम और वो उसके घर जाती है एंड देन हाउ दे गेट टू नो ईच अदर और वो उससे कुछ सीखती है और यू um, नो you know, ये भी वो एक दूसरे से दोनों सीखते हैं बेसिकली मुझे ये कहानी जेन्युइनली बहुत बहुत पसंद आई और uh, यू you नो know, ऐसे कभी कभी आपको कुछ स्क्रिप्ट मिलती है जो आपको इंस्टेंटली पढ़ते पढ़ते ही आपको पता है कि ये मुझे करना ही है तो बहुत यूनिक कहानी है और ये पूरी फिल्म हमने 25 दिनों में एक ही लोकेशन में एक ही कॉस्ट्यूम में और कुछ दो तीन ही किरदार थे तो ये ऐसे इस तरह से हमने शूट किया दिल्ली में सो दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ और um, बहुत वर्कशॉप्स और रीडिंग्स हुई इसके पहले बिकॉज हमें वो अपना कैरेक्टर ग्राफ डेवलप करना था सो इट वॉज़ अ वंडरफुल लर्निंग प्रोसेस और बहुत मज़ा आया okay, की जाए तो बारे में सर सायरा इज़ अ जर्नलिस्ट और लाइक यू गाइज नो जिस तरह से आप मुझे पूछ रहे हैं सायरा वैसे ही बहुत क्यूरियस you know, होती है एंड ऑल दो मुझे जर्नलिस्ट के स्पेस में कम दिखाया है सायरा एज अ पर्सन ज़्यादा दिखाया है वो कैसी है सो so, um, एक जर्नलिज्म का अदर एस्पेक्ट भी होता है आप जब एक कोई स्टोरी कवर करते हो तो आप उस इंसान में आपको uh, और भी अलग चीज़ें दिखती हैं आप एक्सप्लोर करते हो इन द प्रोसेस तो आई थिंक दैट एस्पेक्ट इज़ सीन इन द फिल्म कुछ रेफरेंसेस जर्नलिस्ट के नहीं मुझे जर्नलिज्म और या जर्नलिस्ट की कुछ रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म पर आ, मैंने बहुत आ, पढ़ा इसके बारे में कि ऐसे लोग होते हैं जो टर्म होता है जापानीज वर्ड है हिकी को मोरी तो इट इज़ दो पीपल जो आ, बहुत कम कॉन्टैक्ट रखते हैं लोगों से और बस यू नो कट ऑफ करते हैं शायद अपने गैजेट्स में घुसे रहते हैं कभी कभी इसमें डिप्रेशन के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं बहुत रिसर्च है ऑफकोर्स इस इन चीज़ों पे सो so, मैं ज़्यादा uh, जानती नहीं हूँ इसके बारे में बट आई थिंक शैलो लेवल पे जो मैंने पढ़ा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सो so, इस फिल्म में वो एलिमेंट्स हैं एंड ऑफकोर्स एक अलग भी पैरल स्टोरी चल रही है इस फिल्म में जहाँ पर करण की एक नेबर होती है पिंकी वो लाइक अ क्रेजी कैरेक्टर और वो एक सूटकेस पिंक कलर का उसके घर पे छोड़ जाती है जिसमें बाद में उसे पता चलता है जो ट्रेलर में आपने देखा होगा कि इसमें एक बॉडी होती है सो so, करण एक पूरा केओस में होता है दिन भर सो दैट्स इज दैट काइंड ऑफ अ क्रेजी फन फिल्म एंड इसी के साथ में मिर्ज़ा पर के बाद में फिर से आप दोनों साथ में लौट रहे हैं आई एंड आप सो कैसा एक्सपीरियंस था कितना फर्क देखते हैं कितना मतलब बदलाव देखते हैं एक दूसरे में एज एन बदलाव वगैरह तो नहीं बट ये कम्प्लीटली डिफरेंट है तो स्वीटी और गुड्डू एक अलग जोन था और करण और सायरा अलग जोन है सो होपफुली लोगों को ये भी रूप अच्छा लगेगा एंड आई थिंक अलीगन आई हैव वेरी नेचुरल ट्यूनिंग एंड केमिस्ट्री वे गुड फ्रेंड्स बट आई रियली एंजॉय वर्किंग विथ हिम एंड ही इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड बॉय सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बन एवरिंग भंगड़ा पाले इज माई नेक्स्ट फिल्म सनी कौशल है उसमें और प्लेंग पंजाबी गर्ल इट्स ट्रैक सेट इन दीरियड ऑफ नाइनटीन फोर्टीज उसके लिए मैंने ढोल सीखा विच वॉज अ लॉर्ड ऑफ फन और मेरी पहली हिंदी फिल्म जिसमें यू नो मुझे एक गाना मिला है विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट Uh, फिर अगले साल मेरे तमिल तेलुगु डेब्यू है रा, राना लघुपति के साथ कल हाथी मेरे साथी ही इट्स अ ट्रायलिंग वोल फिल्म हिंदी तमिल और तेलुगू और अनुभव सिन्हा के साथ एक फिल्म है अभी तो पार्टी शुरू हुई है और एक सीरीज़ है और, और एक फिल्म है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बात कर सकती बट एम uh, हमेशा वही रहा है कि फिल्म और वेब स्पेस में दोनों काम करना है और इंडिया में भी नहीं बट इंटरनेशनली भी काम करना है सो व्हेन आई सी फॉर एग्जांपल अली का ग्राफ दैट मेक्स मी फील लाइक इट्स आपको करने का ना कोई एक ऐसा जो आप चाहती hmm. अगर पीवी सिंधु की कभी पे हुई तो मैं करना चाहूंगी क्योंकि तो मैं, तो मैं बैडमिंटन अच्छा खेल लेती हूँ <laughs> और एक एक्शन फिल्म भी करना चाहूंगी और एक मसालेदार बॉलीवुड फिल्म भी करना चाहूंगी <laughs> किसके साथ जो भी अवेलेबल होगा तब बिकॉज सब बहुत बिजी है <laughs> okay,